नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं एन भारत। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है कश्मीर में। अगर आपके अंदर कुछ कर जाने का जज्बा है तो आप दुनिया की परवाह किए बगैर कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी चीज की लगन आपसे बहुत कुछ करवा सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसके दोनों हाथ ना हो और वो क्रिकेट खेल रहा हो, अगर नहीं तो अब सोच लीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आमिर हुसैन लोन ने ऐसा कर दिखाया है। आइए आपको दिखाते हैं आमिर की कहानी, जिसे सुनकर आप भी उनके जज्बे को सलाम करेंगे। आमिर जम्मू कश्मीर पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। आमिर दिव्यांग क्रिकेटर हैं, जो बाघमा गांव से हैं। आमिर अब से नहीं बल्कि 2013 से पेशेवर क्रिकेट खेल रहे हैं। आमिर के टीचर ने उनके अंदर क्रिकेट के टैलेंट को पहचाना था, जिसके बाद उन्होंने आमिर को पैरा क्रिकेट से रूबरू कराया। आमिर ने अपने दोनों हाथ महज 8 साल की उम्र में ही गवा दिए थे, जब वो अपने पिता की मील में हुई एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे। दोनों हाथ न होने के बावजूद आमिर बैटिंग के लिए बल्ले को कंधे और गर्दन के बीच फंसा कर पकड़ते हैं। इसके अलावा बॉलिंग के लिए आमिर अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। मेरा नाम है आमिर हुसैन लोन, मैं वाघमा बिजवारा में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। और मैं एक दिन संडे थी और मुझे क्रिकेट खेलने के लिए जाना था। मेरी माँ ने कहा कि खाना पहुँचाना है भाई को, और मैंने इसके लिए मना किया क्योंकि मुझे जाना था क्रिकेट खेलने के लिए। और माँ ने फिर बोला कि आपको खाना पहुँचाना है, तो मैंने लंच बॉक्स उठाया और आरा मिशन पर पहुँचा। जैसे मैं पहुँचा वहाँ तो फिर मैं खेलने लगा वहाँ, और खेलने के बाद जो मेरा जैकेट फंस गया, जिसमें कि दोनों हाथ में चले गए। और फिर एक औरत आई, उन्होंने फौज बुलाई और फौज की मदद से मुझे जो है हॉस्पिटल तक ले गए। और फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि मेरा जो हाथ चले गए, और मैं बहुत निराश हो गया हूँ। और फिर जब घर वापस आए तो मेरे माँ बाप को ये कहा गया कि आपने तो सारा जो पैसा ये आपने वेस्ट किया, आपने ज़मीन बेची इसके लिए, तो आपने क्यों किया, तो इसको जहर देकर ही, आप किसी काम का लायक नहीं है, जहर देकर ही इसको मार देना चाहिए। लेकिन मेरी जो दादी जी थी, उन्होंने सभी को कहा है कि अगर ये सोसाइटी लायक नहीं है, ये मेरे लायक से पेशा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक आमिर की किसी चीज़ की मैं महसूस नहीं होने दूंगी हाथों की। और फिर उसके बाद स्कूल ज्वाइन किया, तो वहाँ से भी यही कहा कि आप घर में बैठो, आपके लिए एजुकेशन नहीं है, आप घर वाले जो देखभाल करेंगे। लेकिन हमेशा मैं ये सोच रहा था कि मैं दुख होता था जब भी मैं कहीं जाता था, लेकिन वहाँ सिर्फ बस यही ठोकरे खाने पड़ते थे। तो फिर हमारे घर में टेलीविजन नहीं था, मैं दूसरे घर में टेलीविजन देखने के लिए गया, तो उन्होंने जो है अपना टीवी ऑफ किया, मुझे कहा कि आप यहाँ से जो है बाहर निकलो। 8 साल की उम्र में दोनों हाथ गवा देने के बाद भी आमिर ने किसी तरह से उम्मीद नहीं हारी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आमिर ने बताया कि हादसे के बाद मैंने उम्मीद नहीं हारी और जमकर मेहनत की। मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं और मैं खुद से ही सब कुछ कर सकता हूं। हादसे के बाद मेरी किसी ने भी मदद नहीं की, सरकार ने भी मेरी किसी भी तरह मदद नहीं की थी, लेकिन मेरी फैमिली हमेशा साथ रही। उनके हाथ क्रिकेट बैट बनाने वाली मशीन की चपेट में आ गए थे। वो करीब 3 साल तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे। पिता बशीर अहमद बैट बनाने के कारखाने में काम करते थे। बेटे की जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया। हुसैन 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर के हैं। उनके 3 भाई और 1 छोटी बहन है। टेलीविजन घर में नहीं था, मैं दूसरे घर में टेलीविजन देखने के लिए गया, तो उन्होंने अपना टीवी ऑफ किया, मुझे कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ। और मैं ये सोच रहा था अब मैं क्रिकेट मैच कहाँ से देखूँ। फिर उनके पीछे से खिड़की थी, और फिर मैं पीछे से खिड़की से गया और देख रहा था। फिर एक छोटा सा सुराग मुझे मिल गया, जहाँ से मैं सचिन सर को देख रहा था, उस सुराग के बीच में से। तो वहाँ से फिर मेरी जो है शुरुआत, मैं आप सोच रहा हूँ तो क्यों ना मैं ये क्रिकेट अपने आप को मैं डेवलप करूँ। और जैसे मैंने सचिन सर को देखा, उसके बाद मैंने मेहनत की, घर गया, दादी जी को कहा कि दादी जी आप मुझे गेंद फेंकिए ना, तो दादी जी ने गेंद उठाई और बॉलिंग करने लगी। मैं वहीं जाता था खेलने के लिए, क्योंकि दादी जी के गेंद करने नहीं आती थी, लेकिन फिर भी दादी जी को थोड़ी सी हंसी आई। ये नहीं कहा दादी जी आप कैसे खेलोगे। और फिर धीरे धीरे से करके मैंने जो सारी टेक्निक क्रिकेट सीखी,
खुद ही सीखी। 2014 में वहां आई बाढ़ की वजह से वो करीब एक साल तक खेल से दूर रहे। 2015 में इंटरस्टेट पारा टूर्नामेंट में उन्होंने फिर वापसी की टीम। आमिर हुसैन लोन दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद शानदार क्रिकेट खेलते हैं। वो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के फैन हैं। बस मेरे जो फेवरेट प्लेयर रहा कि वो सचिन सर ही रहा है, सर रहा है। उसने आपको ट्वीट किया जिसमें से उसने यही बोला कि मैं अपने हाथ से क्योंकि आमिर को जर्सी दे दी, कितनी खुशी है? मुझे आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं सचिन सर को, और आज उन्होंने मेरे लिए ट्वीट किया है। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, और इंशाल्लाह अगर अपने चाहे कि ज़्यादा सचिन सर के साथ मुलाकात हो जाएगी। यहाँ तक मेरी बीवी का तो वो हमेशा हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, क्योंकि सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपका फैमिली का सपोर्ट ना हो या इनके अपने जो बेगम है उसका सपोर्ट ना हो। तो आज मुझे बहुत सपोर्ट अपनी जो वाइफ है वो बहुत सपोर्ट करती है। उनके लिए कुछ खास मैसेज जो है जो कि यही चाहते हैं कि हम भी खेलें लेकिन घर वालों की सपोर्ट से नहीं खेलते या खुद की सपोर्ट से वो नहीं खेलते, उनके लिए कुछ खास? बस यही कहना चाहता हूँ कि भी आप हार मत मानो, और इंशाल्लाह ऐसा दिन आ ही जाएगा जब आप भी अपने जो है मंजिल मिल जाएगी। और कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कभी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा आगे की तरफ सोच होना चाहिए। आजकल के छोटे छोटे बातों पर छोटे छोटे हम डिस्ट्रॉय करते हैं अपने आप को। बस यही कहना चाहिए, आप मेरी तरफ़ देखिए और मैंने कैसे अपनी लाइफ को जो है कैसे मैं जीता हूँ, और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ आप भी खुश रहें। तो आपने देखा होगा कि कैसे एक बच्चे को लोगों ने कहा कि जहर देकर मार दो, लेकिन कैसे इस बच्चे ने सभी को गलत साबित कर दिया। आमिर जम्मू कश्मीर पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान बने, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एन भारत भी ऐसे क्रिकेटर को सलाम करता है। तो फिलहाल बस इतना ही, देखते रहिए एन भारत।